महाराष्ट्र में अपनी सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और अब बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे, मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर ऐसे अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो न सिर्फ शिवसेना के उद्धव गुट बल्कि एनसीपी और कांग्रेस को झटके देते हुए नजर आ रहे हैं। अब दावा ये किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं एमवीए गठबंधन टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में शिवसेना को संभालने के लिए आखिरकार किसे आगे आना चाहिए? ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स पर गौर किया जाए तो बात यहाँ पर अगर की जाए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बारे में, राज ठाकरे को लेकर कई बार लोगों ने दावा किया है कि अगर वह शिवसेना में वापसी करते हैं तो कहीं ना कहीं शिवसेना की डूबती हुई नैया को वह पार लगा सकते हैं। एक ओपिनियन पोल रखा गया और उस ओपिनियन पोल में तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों ने साथ दिया राज ठाकरे का। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर राज ठाकरे वापसी करते हैं तो शिवसेना यहाँ पर किस तरीके से मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि राज ठाकरे में बाला साहेब ठाकरे जी की छवि देखने को मिलती है और हिंदुत्व जिस तरीके से लोगों को उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त शिवसेना में दिखाई तक नहीं दिया, कहीं ना कहीं उस हिंदुत्व को यहाँ पर बढ़ावा देते हुए राज ठाकरे नजर आ सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस दावा कर चुके हैं कि डंके की चोट पर वह कह चुके हैं कि जीत आने वाले समय में चुनावों में उन्हीं की होगी। लेकिन गौर किया जाए यहाँ पर राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे के बयानों की तरफ, बीते कुछ महीनों पहले अगस्त के महीने में मीडिया ने उनसे पूछे कई सवाल और उनसे पूछा कि ठाकरे बंधु साथ आएंगे, उस पर उन्होंने कहा क्या आपको ऐसा लगता है, वहीं उन्होंने कहा कि हमारी राय मायने नहीं रखती। शर्मिला ठाकरे ने कहा कि अगर शिवसेना स्पष्ट करती है तो इस पर विचार किया जाएगा, यानी कि ठाकरे परिवार की तरफ से अगर यहां पर उन्हें ऑफर मिलेगा तो वह भविष्य में साथ आने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल भविष्य में ठाकरे बंधुओं को एकजुट करने का प्रयास होता है या फिर नहीं, इस पर उन्होंने अलग ही अंदाज में जवाब दिया और आदित्य ठाकरे के राज्यव्यापी दौरे की उन्होंने कामना की। फिलहाल देखा जाए रश्मि ठाकरे ने यह साफ तौर पर कह दिया और दूसरी ही तरफ राज ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं कि आगामी बीएमसी चुनाव में वह अकेले ही उतरने वाले हैं, ना कि बीजेपी और शिंदे गुट के साथ वह कोई गठबंधन करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में उद्धव ठाकरे रश्मि ठाकरे एक बार फिर से राज ठाकरे की तरफ रुख करना पसंद करेंगे, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो उनका गुट काफी कमजोर हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शिंदे गुट में बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2005 में महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी का गठन किया राज ठाकरे ने और उनमें हिंदुत्व यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे जी की छवि लोगों को देखने को मिलती है। ऐसे में क्या वाकई में उद्धव पहल करते हुए नजर आएंगे? खैर ये वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।